ये गुफा देख रहे हैं आप, यहाँ कोई क्या अपनी जिंदगी बिता सकता है? आज के आधुनिक युग में जब सारी सुख सुविधाएं आपकी मुट्ठी में हो, तो कोई इस गुफा में टीन की टपरी के नीचे आखिर क्यों रहना चाहेगा? ये तस्वीर देखिए, इसका नाम है सोंग जियांग, चीन का रहने वाला है और 17 साल से इस गुफा में अपना जीवन यापन कर रहा है। जरा रुकिए, आपको इस पर तरस खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी हालत पर जरा भी रहम खाने की सोच रहे हैं तो ठहर जाइए। सोंग जियांग नाम का 63 साल का ये शख्स पुलिस के गिरफ्त में है और 17 साल बाद पुलिस ने इसे इसी के टीन टप्पर वाले घर से बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पकड़ा। साउथ वेस्ट चाइना का रहने वाला सोंग एक मुजरिम है। ये महिलाओं और बच्चों की तस्करी करने का काम करता था। बच्चों और महिलाओं की किडनैपिंग कर ये उन्हें बेच दिया करता था। इसी अपराध में सोंग चीन की जेल में बंद था, लेकिन साल 2002 में वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर जेल से फरार हो गया। उसे इतना तो पता था कि अब अगर वो भागकर घर जाएगा तो पुलिस के हत्थे आसानी से चढ़ जाएगा, इसलिए उसे चीन के जंगल में एक गुफा के अंदर छिपना ज्यादा रासा। सोंग ने बाहरी दुनिया से संपर्क ही तोड़ दिया। खुद को पुलिस से बचाने के लिए उसने गुफा को ही अपना घर बना डाला। धीरे धीरे टीन और बोरे के जुगाड़ से उसने एक छोटे से घर का आकार मढ़ डाला। वो नदी का गंदा पानी पिया करता था और तो और पेड़ के पत्ते खाकर कभी कभी भूख भी मिटाता था। सब कुछ बड़ी सरलता से चल रहा था, लेकिन कहानी में तभी आया ट्विस्ट। 17 साल बाद अचानक योंगशान पुलिस को उनके वीचैट अकाउंट पर सोंग के एक गुफा में छिपे होने के कुछ सुराग मिले। पुलिस को पता चला कि सोंग साउथ वेस्ट चाइना यानी उसी के घर के आसपास के एक घने जंगल में रह रहा है। फिर क्या था, पुलिस ने कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया और एक ड्रोन की मदद से पुलिस को नीले कलर की टीन से बने एक छोटे से घर का सुराग मिला। अब तक पुलिस समझ चुकी थी कि हो ना हो इतने घने जंगल में रहने वाला कोई और नहीं, सोंग ही हो। और जैसे ही पुलिस की टीम उस गुफा में पहुंची तो सोंग को देखकर दंग रह गई। फिलहाल पुलिस ने सोंग को अरेस्ट कर लिया है, उसे जेल में डाल दिया गया है।